अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दादीज किचन। सो आज हम लोग क्या पकाने वाले दादमी? आज बेटा अस्सलामुअलैकुम, हम देखो आज भिंडी मसाला फ्राई बनाने वाले हैं। तो अपन इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बोलूँगी। ये है आधा किलो भिंडी, इसको धो के अच्छा पानी पूरा ड्रेन करके इसको ऐसा चीरा लगा लिया, ऐसा इस पूरे भिंडी को ऐसा लगा लिया ऐसा। तो इसके बाद ये है एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच धनिया और थोड़ी सी मेथी, ये पूरा रोस्ट कर लिए अपन, भून के रख लिए इसको। और ये है थोड़ी तिल और थोड़ी फली, और ये जो है प्याज, प्याज को जला के रख लिए अपन। और ये है लहसुन एक डंडी, और ये है आमचूर पाउडर। तो अपन इसको क्या करने वाले हैं, ये पूरे चीज़ें जो है सो पेस्ट बनाने वाले हैं। उसमें फिर मिर्ची, थोड़ी हल्दी, नमक जाता, इसको भी रोस्ट कर दिए। हाँ, उसको भी रोस्ट कर दिए। पूरा पेस्ट बना के अपन इसके अंदर फिल करना है, अब फिर मैं बताऊँगी। चलो ठीक है, चलो ठीक। हेलो दोस्तों, देखो हमारा मसाला तैयार हो गया। इसमें मैं मिर्ची भी डाल दी, नमक, हल्दी डाल के पूरे मसाले डाल के पूरा ऐसा पेस्ट बनाई। अब इसके बाद जो है सो ये जो अपन ऐसा चीरा लगाए ना, इसके अंदर फिल करेंगे अपन। ये पूरे ऐसा फिल कर लेके इसमें रखो, इसमें बस ऐसा ऐसा फिल करके। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। हेलो दोस्तों, हमारा मसाला रेडी हो गया है। फील करना भी हुआ, देखो ऐसा ऐसा पूरा ऐसा कर लिया था। अब ये स्टॉक से जाकर एक पैन रखो, अब इसमें तेल डालेंगे। फ्राई बोले तो डीप फ्राई नहीं होता, सेमी फ्राई। तो इसमें 3 चम्मच तेल डाल रहे हैं। ओके, अभी अपना तेल हल्का सा गर्म हो गया, अब इसको ज़रा लो फ्लेम पे करेंगे। ओके, बिस्मिल्लाह। इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, एकदम स्लो रख के बनाना। ओके, आप लोग भी ज़रूर बनाइए दोस्तों। मैं स्लो कर दी पूरा। आपको कितना चाहिए उतना बना ले सकते, किलो, 2 किलो, 1/2 किलो, 1/2 किलो। पैन अच्छा बड़ा होना चाहिए, ज़रा ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा रख सकते। इसको स्लो आंच पे 1-5 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसी ढक्कन लगा के। ओके, अच्छी खुशबू आ रही है बेटा। धीरे धीरे इसको उलट पलट कर लेना अपन, नहीं तो फिर टूट जाते। हाँ,
5 से 10 मिनट लगे इसको। मसाला तो ऑलरेडी भुना हुआ है, इसको तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने को भिंडी साफ होना चाहिए। धीरे धीरे इसको अपन ऐसा पलट लेंगे। एकदम स्लोली कि तो आपका अभी 5 मिनट बस हो जाता है। ओके हेलो दोस्तों, अभी हो गया, देखो मसाला भिंडी रेडी। अभी मैं इसको ज़रा हाई फ्लेम पे रख के थोड़ा इसको ड्राई होने देती हूँ। अब इसके ऊपर से अपन थोड़ा कोथमीर कड़ी पत्ता और कोथमीर, बस हो गया इसमें। कैसा है बोलो दोस्तों, हमारा भिंडी फ्राई मसाला फ्राई, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमारे दादी चैनल को लाइक करो। बहुत टेस्टी रहता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। चलो अल्लाह हाफिज़। इसको रोटी के साथ भी खा सकते और दाल बना लिए तो साइड में खा सकते, चपाती के साथ खा सकते। चलो अल्लाह हाफिज़, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चलो।